Ayan, are you ready for quiz today? Yes, ma'am. Okay, let's start your quiz. Can you see the screen? Yes, ma'am. कुछ नजर आ रहा है आपको? Yes, ma'am. पहले का आंसर सही है. अच्छा, saliva contains an enzyme. Yes. Yes, ma'am. Just wait. I have to mark the numbers. Okay. Okay. Question. MCQs two. जी बेटा. अच्छा. फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. हेलो आयान. यस मैम. ए बेटा, आप मतलब आप अपनी स्क्रीन भी शो करें मुझे और फिर आप आंसर स्टार्ट करो. मैम स्क्रीन आ नहीं रही. अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया. अरे जी, फॉलिंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. ए डाइजेशन. यस. ओके, व्हाट इज फेमाइन? व्हाट इज फेमाइन? फेनाइन वो लॉन्ग टर्म वाला है ना? जी जी. अच्छा, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फूड इन In a long period of time when there is a lack of food, there it is called a famine. Examples के तौर पे North Korean famine and Ethiopian famine. और if अगर आप उसके और भी पूछें तो एक आ जाएगा unequal distribution की वजह से ये होता है, drought की वजह से ये होता है, flood की वजह से ये होता है. और okay, ठीक है, ठीक है. And the last question. Yes. Which acid is released in stomach? Give its function. During digestion, कौन सा acid release हो रहा होता है? Yes. Saad. Sorry. Ayan. Okay. Acid. एसिड कौन सा रिलीज होता है ड्यूरिंग डाइजेशन? चलें छोड़ दें. इट्स ओके बेटा. ओके, योर टू एमसीक्यूज आर राइट करेक्ट एंड योर वन शॉर्ट क्वेश्चन इज टोटल करेक्ट. ठीक हो गया जी. कुछ अभी भी याद नहीं आया? चलो आप रीड कर सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम बुक. चलें जी. साथ साथ, can you hear me sir? Yes ma'am. Ji beta, ab aapka quiz start ho raha hai, ab aap iska one by one answer. Okay ma'am. Ji kindly show your screen. Okay ma'am, main dikhata hu. Pehla question dekh raha na, ma'am nazar aa rahi hai? Ji haan ji. Aap kitni short kyun nazar aati hai screen? Bilkul just aapka face hi main dekh pati hu. Aap kis कैमरा आपका? चले चले जी. फर्स्ट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इज टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड बोथ ए एंड बी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मैं बताता हूँ आंसर. मैम इसका आंसर है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड आंसर है आप बता रहे हो? नो बेटा, नहीं, इट्स रॉन्ग. बोथ बी एंड ए एंड बी दोनों आएंगे. ठीक है,
पेप्सिन जो है वो दोनों में कन्वर्ट करता है. चले इसका बस जीरो हो गया जी. नेक्स्ट पे आइए. फॉलोइंग एंजाइम जी. Following enzyme acts on fats. Amylase, lipase, and lipids. Lipase, ma'am. Lipase, ठीक, correct. Okay. जी, short question बताइए. What is the function of gastrin? Ma'am, what is the function? गलती से जूम बंद हो गया था मेरे. जी जी चले. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रीन? मैम फंक्शन ऑफ गैस्ट्रीन. Ma'am, 1 minute. No. Ma'am, gastrin का function होता है secretion of hydrochloric acid in stomach. Hydrochloric acid in stomach. नहीं बेटा, secretion of hydrochloric acid नहीं होता है इसका function. Ayan, can you give answer? आपको फिर वहाँ से जाना है. Yes ma'am, active stomach walls करता है ये. अच्छा जी, stomach walls को active करता है. और ये एक hormone भी release करता है. नहीं नहीं नहीं, आप half answer बता रहे हो, half आपका wrong है. चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा जी साद, आप अब next question बताइए. Next. What is mastication? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं. Yes, ma'am. Ma'am, mastication होता है फूड को स्मॉलर पीसेस में यानी ग्राइंड करना बाय टीथ. And where this process occur during digestion? Ma'am, in which part? And ma'am, in mouth. Ma'am, mastication is the mechanical grinding of food into smaller pieces. And what is its? And what is its use? Iska fayda kya hai? Ma'am, wo food ki digestion mein aasani hoti hai. Esophagus mein jo hai wo bade bade particles jo hai wo enter nahi. मैम वो बड़े बड़े पार्ट नहीं हो सकते, ये बॉलस इसे कहा जाता है फूड के, ये जो सारा बन जाता है आफ्टर मेकिंग पीस. ओके ठीक हो गया. 1.5 मार्क्स फ्रॉम 2. चलें जी, ताहा इज देयर? यस मैम. चलें जी ताहा. आयान, यू गेट 1 मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस. ये जो आपका एक मिस हुआ था ना क्वेश्चन, तो गैस्ट्रिन का आंसर आपने दिया. यू गेट 1 मार्क फ्रॉम देयर. यस ताहा. यस मैम. वेयर आर यू? आई वांट टू सी योर फेस. आ रही है स्क्रीन? नहीं तो ब्लैंक है आपकी स्क्रीन. मैम एक बार मैं देखता हूँ. मैम ऑन तो हुआ हुआ है कैमरा. नहीं लेकिन आप सामने तो बैठो ना, मुझे लग रहा है आप कैमरा के सामने नहीं हो. अंधेरा है बिल्कुल. कुछ भी नहीं है. आई कांट सी एनीवन. एक मिनट मैम, मैं देखता हूँ. वो नजर आ रहा था, ये क्यों नजर आ रहा है, कैसे हो सकते हैं थोड़ा बैठे में. नहीं तो साथ तो सामने बैठे हुए थे, ताहा क्यों नहीं नजर आ रहे? अगर सेम आपको क्या जस्ट 3 स्टूडेंट्स आर टुडे इन द क्लास. आयान है, साद एंड ताहा. आई थिंक नो हनी, नो आमना.
और आज सबको पता था क्विज है. चलें जी ताहा बेटा हरी अप, टाइम इज गोइंग ऑन, वी हैव शॉर्ट टाइम, आपको पता है. Okay, Amna, beta, show your screen. Amna. Assalamualaikum, miss. Waalaikum assalam, Amna. You are late in class and today's quiz as well. Okay, Amna, aapka quiz khol dete hain. Amna, aap start karo. Ji, are you ready for quiz, Amna? Show your screen. Show your screen. अच्छा ताहा आ गए हैं, ताहा का पहले कर लेते हैं स्टार्ट. चलें ताहा का. आमना आप तब तक अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए बेटा, क्विज जो आपको पता है कि स्क्रीन शेयर करवाते हैं. जी ताहा, ताहा बेटा आपका क्या नाम. जी मैम. जी जी चलें जी स्टार्ट योर फर्स्ट एमसीक्यू. यस मैम. जी मैम एक मिनट आपकी स्क्रीन शेयर कर लें. स्क्रीन आपको ये टेस्ट नजर नहीं आ रहा. व्हेन द फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम इट इज कॉल्ड बोलस, चाइम और बाइल, क्या कहलाती है फूड. बोलस. Wrong. It's not bolus. It's chyme. Bolus to mouth mein hota hai. Oral cavity mein bolus banta hai. Okay. Move on to the next MCQ. What is true about gastrin? Gastrin ke baare mein kaun si statement theek hai? It is an enzyme of gastric juice. It is a part of stomach or stimulate the secretion of gastric juice. Which statement is true? मैम एक मिनट मैं बताता हूँ. मैम आपके ऐसे ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे हैं, आप एक दफा फिर से रिपीट कर देंगे. जी इट इज द एन एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, जस्ट स्टमक का एच वहां आया हुआ नीचे, और थर्ड ऑप्शन है स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ये जो साइड इंफॉर्मेशन थी ना बड़ा सा ब्लॉक, उसमें एक क्वेश्चन था और ये मैं आपको आप रीड भी करवाया था उस दिन, समझाया भी था कि गैस्ट्रिन कहाँ मौजूद होता है. कांड गिव आंसर. मैं एक मिनट दे रहा हूँ आंसर. एक मिनट वाली बात नहीं है, एमसीक्यूज तो फौरन से आपको आंसर देना होगा. तो फायदा कोई नहीं ना क्विज का. चलें जी आई थिंक इट्स जीरो. मैम एक मिनट दे रहा हूँ. इट इज एन एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस. No. इसका सी पार्ट इज द राइट, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ, अभी आयान ने बताया भी था कि गैस्ट्रिक ये स्टमक वॉल्स को एक्टिवेट करता है. आयान ने इसका आंसर दिया भी था. ओके योर शॉर्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एंजाइम आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं. विच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस में. ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कर लिया था, उसका स्टार्टिंग जो पार्ट है उसमें था इसका आंसर. व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम्स. अमाइलेज एंड लिपेज एंजाइम्स. जी अमाइलेज एंड लिपेज, और एक और भी था ट्राइप्सिन. पेप्सिन. ट्राइप्सिन. हाँ जी ट्राइप्सिन. वेरी गुड, 2-2. ओके द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस अकर. अगर पेरिस्टाल्सिस. हाँ जी व्हाट हैपेंस व्हेन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस अकर, क्या होगा अगर रिवर्स हो जाए पेरिस्टाल्सिस तो. व्हाट हैपेंस. मैम ये लव्स जो आपने अभी बोला ये इसका समझ नहीं आई, मैम आप स्पेलिंग बोल देंगी. पेरिस्टाल्सिस. पेरिस. यस. पेरिस्टाल्सिस. यस पेरिस्टाल्सिस. बिल्कुल मुझे लग रहा है ताहा आपने ना स्टडी नहीं किया. मैम प्रिपेयर नहीं किया आपने क्विज आज का.
टर्म का ही नहीं पता व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस. ओके मैम एक मिनट बता रहा हूँ. चलें जी बस जीरो इसका तो डायरेक्ट आंसर. मैम एक मिनट मैम रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. कहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं? मैम ये मसल स्टमक में इरिटेशन और फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की वगैरह की वजह से होता है. नो 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 अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आमना को आता हुआ था. चलिए जी आमना के लिए भी सेम इस तरह के क्वेश्चन है. इफ आमना नोज देन यू कैन. आमना बेटा शो योर स्क्रीन. हरी आप Yes, miss. Ayan got 4 marks in today's quiz out of 6. 6 में से 4 marks हैं. Saad 2.5. Saad, are you here? Yes, hearing me? Are you hearing me? Yes. 2.5 yes, marks हैं आपके आज के quiz में. और तहा ओनली 2 मार्क्स. मैम जी एमसीक्यूज तो आपके दोनों कैसे पड़े? आपके बेटा एमसीक्यूज दोनों ठीक हैं. आपका एक जो है नहीं 5 शॉट सही था. हां हां एक शॉट तो बिल्कुल ठीक था और एक का आपको गैस्ट्रिन का 5 मार्क्स. गैस्ट्रिन का भी आपने बाद में आंसर दिया है ना. 5 मार्क्स यू गॉट. आयान ने आयान के 5 मार्क्स है. आयान ने ही जस्ट अपना होमवर्क भी सबमिट करवाया था. एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्लास? आप लोग क्या हो गया? स्टार्ट में तो बड़े एनर्जेटिक थे अब क्या हुआ है? सोए हुए होमवर्क कहाँ पे आपको कहा पर्सनल नंबर पे सेंड करें? मुझे तो सिर्फ आयान के अलावा किसी का होमवर्क नहीं आया. मैम किया था आपको? नहीं किया. मैम डायग्राम जी डायग्राम्स थी एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे. हम डायग्राम्स की नहीं थी मैंने आपको. वो तो पुराना काम था आमना. आपका भी नहीं किसी का होमवर्क सबमिट नहीं हुआ. सिर्फ आयान का होमवर्क आया और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो. आयान जो है वो सीरियसली क्लासेस को ले रहे हैं ना. तो रिजल्ट आप देखो क्विज में उनका कैसा आया है. तो अगर आप चाहते हैं कि बस हम क्लासेस बैठ के ही ना लें उसको कुछ फायदा भी उठाएं याद भी करें साथ साथ होमवर्क करें प्रॉपरली तो तभी आपका रिजल्ट ठीक जाएगा ना. आपको ऐसा नहीं लगेगा एंड पे कि पता नहीं कितना ही हमने इतनी क्लासेस पढ़ ली तो आप करेंगे क्या इसको याद कैसे करेंगे. साथ साथ लर्निंग भी तो करनी है ना. अगर जिन जिन्होंने काम किया है वो सबमिट करवा दें आज तो मैं उनको मार्क कर दूंगी. और इसी तरह से आपका सबमिशन ये जो है सब असाइनमेंट सबमिशन ये भी शो करना है ग्रुप में. आप देख लो जैसे क्विज रिजल्ट में शो कर रही हूँ. चले आमना स्टार्ट योर एमसीक्यूज. फर्स्ट एमसीक्यू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स आर. प्रोटीन की जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है डाइजेशन के बाद वो कौन सी है? पेप्टाइड चेन्स पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स. इट्स वेरी इजी. Miss, नहीं आ रहा आंसर. बी. नो रॉन्ग. साथ कैन यू गिव आंसर? अमाइनो एसिड्स. ओके ओके अमाइनो एसिड. ओके आपका एक नंबर बढ़ गया है यहाँ से. इस तरह से ही मैं अब आपको चांस दे दे कि आपके ग्रेडिंग अप करूंगी वरना ये रिजल्ट मैं शो करूं ग्रुप में मैम के पास जाए तो क्या सोचें मुझे बताइए. अच्छा जी नेक्स्ट अब ताहा के पास चांस है अगर कोई चांस आपको मिल गया अगर आमना ने कुछ मजीद. जी आमना नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑसोफेगस मींस. ऑसोफेगस का क्या मतलब? ये ऑसोफेगस जो है इसका क्या मतलब इजी वे में इसे क्या बोलते हैं? विंड पाइप फूड पाइप और बोथ ऑफ दीस. ऑसोफेगस इज एन organ of alimentary food canal pipe. Yes very good food pipe. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताइए. व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस?
What is peristalsis? ये कौन सा प्रोसीजर है एलिमेंट्री कैनाल में? What is peristalsis? मिस तो बारा बोले जरा. What is peristalsis? ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रोसीजर है? What is peristalsis? और पूरे एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स में होता है ये. नहीं पता. यस ताहा, कैन यू गिव आंसर? यस मैम. जी बताइए. मैम पेरिस्टाल्सिस मूव्स द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी फ्रॉम माउथ टू द फ्रॉम ओरल कैविटी टू द रेक्टम एंड इट इज डिफाइंड एज वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द फूड कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल. जी आमना, अब आपको कुछ समझ आया व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स में, जिसकी वजह से फूड जो है वो माउथ से आस्ता आस्ता मूव करते करते नीचे पास कर रहा होता है, नीचे नीचे जा रहा होता है, क्योंकि इसका पूरा ट्रैक माउथ से लेके एंड तक है, एनस तक. ठीक है मैम, पॉइंट्स मुझे इसके मिलेंगे या नहीं? इसके बस मिल जाएंगे थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, इसलिए कि फुल मार्क्स तो अब चांस खत्म हो गया है ना. अब आपको इसके ऊपर से 0.5 ऐड कर देती हूँ. चलें जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आमना. व्हाट इज मीनिंग मेंट बाय चर्निंग? व्हाट इज मेंट बाय चर्निंग? क्या बोल रहे हो आमना? ड्रिंक करना. नहीं करना, नहीं आता इसका भी आंसर? आता है मिस, मैंने आपको बताया है. क्या बताया? चर्न करना. ये कहाँ होता है मतलब प्रॉपर इसकी एक? As a result of churn. हाँ, चर्निंग में क्या होगा? As a result of चर्निंग, chewing करना. नो बेटा, नो, wrong. जी आयान, मैं बताऊंगा तो मेरा एक मार्क और बढ़ जाएगा. बस एक एक चांस ही मिलना चाहिए ना. चले आप ऐसे बता दें, यू कैन. मैम ये स्टमक के अंदर होता है और ये ना खाने को जब और ब्रोंकाइटिस करने के लिए होता है. खाने को क्या करने के लिए होता है? वॉल्स होती है ना, और ब्रोकन डाउन करने के लिए होता है. स्टमक वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मतलब स्टमक वॉल भी मुसलसल मूव करता है. ठीक है, तो फिर जो होता है मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है. हाँ जी, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ग्राइंडर की तरह, जैसे ग्राइंडर में चीजें मिक्स होके टूट फूट जाती है ना, तो चर्निंग के रिजल्ट में ऑल द फूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड अलोंग विद दिस गैस्ट्रिक जूस मिक्सेस विद दिस. ठीक है, और इसी वजह से चाइम बनता है, इसी के रिजल्ट में चाइम बनता है, पेस्ट बनती है फूड की. आमना, यू गेट द पॉइंट? यस मिस. बेटा ध्यान से लेक्चर लिया करें. चले आमना का, चले इट्स ओके. ओके जी, मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक. और मुझे ये बता दें पहले, आगे से स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्प्रूव मैं करवा सकती हूँ? अब ऑनलाइन क्लासेस में तो बस ऐसे ही चलेगा सिस्टम के पढ़ाया और कुछ दिनों बाद एक क्विज ले लिया, तो आप लोग अगर इस तरह सुस्ती करेंगे होमवर्क सबमिट करवाने में या क्विज लर्न करने में, तो मुझे बताएं क्या फायदा हो रहा है? मैंने तो होमवर्क कर सेंड भी किया था, पता नहीं आपको. दोबारा सेंड कर दीजिए, दोबारा सेंड कर दें. अगर आप कर चुके हो तो सेंड कर दो. मुझे तो इस वीकेंड पे जस्ट एक्सेप्ट आयान, किसी का होमवर्क नहीं मिला. आमना आपने भेजा था अपना होमवर्क? यस मिस. आप भी रीसेंड कीजिए. एंड ताहा यू? मैम मैंने भी तो मैंने साथ के साथ ही किया था. पर्सनल मेरे नंबर पे किया है कि ग्रुप में भेजा है? मैम आपके नंबर पे किया. हाँ नहीं, मुझ तक नहीं आया तो आप
काइंडली रीसेंट कीजिए। हम देखेंगे कि लगता नेट का मसला होगा तब आप चेक कर लें, चेक कर लें, वरना मैंने जो असाइनमेंट इस दफा फेल उसके लगाए हैं रिजल्ट, तो मैंने आप सबका डी ग्रेड शो किया है लास्ट असाइनमेंट में, एक्सेप्ट आई एम। अब आप अगर भेज देते हैं आज तो मैं उसको चेंज कर दूंगी, ठीक है? ओके ओके, मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक। ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया हुआ था, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स। उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जी। एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज जियोजिनम, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। ये देखें, ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शंस। तो जी स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग मी? यस मैम। आयान इसको रीड कीजिए। जियोजिनम में क्या होगा? इसकी लेंथ आप देखें क्या है जियोजिनम की, 2.4 meters, मीटर मीटर। अब आप देखो कितनी लंबी इसकी ये जो पाइप है जियोजिनम, ये कितना लंबा है हमारे पेट के अंदर जो रखा हुआ अल्लाह ताला ने। लेकिन चूंकि कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके पड़ा हुआ है, तो वो सारा फिट हुआ है हमारे बैली के अंदर। 2.4 meter लॉन्ग पाइप। यस जी आयान, स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम इज 2.4 meters long jejunum. It is concerned with the rest of the digestion of proteins, carbohydrates and lipids of our bile. हाँ जी, last अजान बेटा stop। इसका major जो function है jejunum का वो ये है कि हमारी जितने भी हमने खाना खाया था उसके अंदर जितने भी proteins, carbohydrates और lipids थे वो सारे के सारे इस part में आकर digest होकर final अपनी shape में आ जाएंगे। ये वैसे तो प्रोटीन्स आपको पता है स्टमक में भी और ओरल कैविटीज में भी होना स्टार्ट हो गई थी डाइजेस्ट, लेकिन भी फाइनली पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए थे। लेकिन प्रोटीन्स की जो लास्ट फॉर्म है डाइजेशन की वो क्या होती है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट फॉर्म क्या है जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होने के काबिल होती है, वो कौन सी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, किसी को पता है? कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपल फॉर्म्स होती हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पॉलीसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मींस सिंपल शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनको किस शुगर में कन्वर्ट होना चाहिए? सिंपल शुगर्स और मोनोसेक्राइड्स मींस ग्लूकोज। तो जियोजिनम में कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये बेशक आप अपनी बुक पे मेंशन भी कर लो, इन्होंने यहाँ शो नहीं किया, वजह से ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट होकर कौन सी फॉर्म में जाएंगे? ये ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी कि सिंपल शुगर्स, मोनोसेक्राइड भी बोलते हैं उसे। और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है आप सबको कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. अगर प्रोटीन्स अनडाइजेस्टेड हो, पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, तो वो कौन सी फॉर्म में होंगे? या तो पॉलीपेप्टाइड्स में होंगे या फिर पेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में होंगे। यानी कि अभी वो आधा पूरी तरह अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं या पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर प्रोटीन मजीद डाइजेस्ट होंगे तो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड्स फर्दर डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड। कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल फॉर्म क्या है? मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज। और जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स मींस फैट्स एंड ऑयल्स, इसकी जो फाइनल फॉर्म है जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होती है वो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो ये सब सारी जो चीजें हैं ये फुली डाइजेस्ट हो जाएंगी इन द जियोजिनम। क्लियर हुआ है आपको? यस मैम जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इलियम। इलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो देखिए लेंथ इसकी कितनी ज्यादा है, 3.5 meters इसकी लेंथ है। और इलियम में डाइजेशन अब नहीं होगी। इलियम इज कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को कि इलियम में क्या होगा, इलियम में डाइजेशन होगी या एब्जॉर्प्शन होगी। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट
इलियम में क्या होगा, जस्ट अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है वो सारे का सारा एब्जॉर्ब होना शुरू होगा हमारे ब्लड के अंदर। अब कैसे एब्जॉर्ब होगा, इलियम की जो वॉल्स हैं, अभी मैं शो करती हूँ तस्वीर आपको आगे, इलियम की जो वॉल्स होती हैं वो उनमें बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। यू कैन सी हियर, सबको नजर आ रही है ये पिक्चर? यस मैम। फिर इस ताहा एंड साथ आपने बेटा आंसर करते। यस मैम। बेटा साथ से जरा आंसर कर दिया करें, मुझे पता चले आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। ओके मैम। जी अच्छा, ये आप देखेंगे ये इसकी जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इलियम वाला पार्ट दिखाया हुआ है। इलियम वाले पार्ट में आप देखो ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर की तरह की छोटी छोटी यहाँ पर प्रोजेक्शंस बनी हुई है, लंबी लंबी सी उभरी हुई चीजें हैं, और ये क्या कहलाती हैं, विली। ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसलिए क्या कहला रही हैं, विली कहला रही हैं, विली। और दे आर जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रखी हुई है। एंड विली हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज ऑन इट, ये आप इस एक विली को अब मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, विली का ये मैग्नीफाई पार्ट है एक विली का, सॉरी विलस, अगर इसको सिंगुलर बोले तो विलस कहलाएंगे, ज्यादा होंगी तो क्या कहलाएंगी, विली। ठीक है, एक विलस को मैग्नीफाई किया हुआ है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, ये रेड वाली जो है वो आर्टरीज है, ब्लू वाली क्या है, वेन्स है, और सेंटर में जो येलो एक ट्यूब नजर आ रही है दैट इज नोन एज लैक्टियल, ये भी अभी ये आपको बताते हैं कि क्या है लैक्टियल, क्या है लैक्टियल्स, भी बेसिकली वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड सिस्टम के साथ साथ मौजूद होती हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द वाटर इन द ब्लड, ये ब्लड में वाटर के लेवल को कंट्रोल करती हैं। सेकेंडली इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो विली क्या काम करेगी, जितना भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया था उस सब को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगी, मैक्सिमम अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और फूड को फिर भेज, जारी बात है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका मतलब है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कौन रीड करेगा इलियम वाले पार्ट को, हु विल रीड? मैम मैं रीड करूं? जी जी कीजिए साहब, लास्ट यहां से स्टार्ट। Last 3.5 meter long part of small intestine is ileum. It is concerned with the absorption of digested food. There are circular folds in the inner wall of ileum. These folds have numerous finger-like projections called villi, singular villus. Villi increase the surface area of inner walls and it helps a lot in absorption of digested food. जी ये function आ गया है, विली का function क्या है, it increase the surface area. इस तरह के short questions बने हुए होते हैं और मैं quiz में ऐसे ही देती हूँ अंदर अंदर से, ताकि आप लोग जो है वो उसको अच्छी तरह concept ले लें इसका। ठीक हो गया, आगे चलें। Yes. Each villus is richly supplied with blood capillaries and a vessel lymphatic of lymphatic system called lacteal. The walls of villus are only single cell thick. The digested molecules, simple sugar and amino acids, are absorbed from intestine into the blood capillaries present in the villi. Blood carries them away from small intestine via the hepatic portal vein and goes to liver for filtering. Here toxins are removed and extra food is stored. From liver, the required food molecules go towards the heart via the hepatic vein. Fatty acid and glycerol present in small intestine are absorbed into lacteal of villus and lacteal carries them into main lymphatic duct from where they enter in bloodstream. जी, अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इलियम में जो बेसिक फंक्शन हमने देखा कि वो क्या है, हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है। ठीक है, और उस एब्जॉर्प्शन के लिए अल्लाह ताला ने कौन से यहाँ पे ऑर्गन्स छोटे छोटे दिए हुए हैं, विली दिए हुए हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो करनी है तो विली उसमें मौजूद है। अब विली के अंदर क्या चीजें हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, और इसके अलावा lacteals हैं। ठीक है, lacteals are also the vessels, tubes हैं छोटी छोटी
जिनके अंदर क्या चीज एब्जॉर्ब होगी, जिनके अंदर हमारी जो लिपिड्स हैं उसका जो फाइनल डाइजेस्टेड पार्ट है, लिपिड का डाइजेस्टेड पार्ट क्या था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर हमारी शुगर्स और अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड में चली जाएंगी, और जो लैक्टियल्स हैं उनमें क्या जाएगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स, हाँ जी, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जबकि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड जाएगा फिल्टर होने के लिए, साफ होने के लिए लिवर के पास थ्रू हिपाटिक पोर्टल वेन। हिपाटिक पोर्टल वेन वो वेन है जो के सारे के सारे जो डाइजेस्टेड फूड है ब्लड के अंदर उसको लेके जाएगा लिवर के पास, ताकि अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिन है, कोई जरासीम है, कोई बैक्टीरिया है, उसको क्लियर करें। क्लियर करने के बाद सारा ब्लड जो कि साफ हुआ हुआ है और फूड उसके अंदर मौजूद है, फूड किस फॉर्म में मौजूद है, सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स उसके फॉर्म में फूड मौजूद है, वो चला जाएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट आगे से वो सारा ब्लड हमारी बॉडी को सर्कुलेट करेगा। समझ आई बात? और इसी तरह से जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स हैं, ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, थ्रू लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ये लिम्फेटिक डक्ट को यहाँ पर इन्होंने बता दिया लैक्टियल्स के नाम से। हु विल डिस्क्राइब, कोई बताएगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है। आमना, क्या आप, बेशक सारा मत बताइए, कुछ एक दो पॉइंट्स आप बताइए ताकि मुझे पता चले आपको कुछ समझ आया है। व्हाट इज विली, विली के बारे में बताइए। यस आमना, आवाज आ रही है बेटा आपको? आमना उसका एक तो साइज क्या है, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यू जस्ट गिव आंसर। मिस ये कंसर्न करते हैं अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब्सॉर्प्शन कर डाइजेस्टेड फूड के अब्सॉर्प्शन के साथ इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट, इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चीज मौजूद है इसकी लेयर के अंदर? विली, विली मौजूद है। व्हाट आर विलीज, विली क्या चीज है? मिस विली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, इनर वॉल्स, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यस, एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस तरह की चीज हमने पीछे सेल स्ट्रक्चर में भी देखी थी, जिसमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखे हुए थे। कुछ याद है किसी को? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद हो अगर किसी को, तो उसमें भी इसी तरह इनर वॉल्स में लंबे अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स थी, तो सेम ये वही चीज है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ओके जी, साथ व्हाट हैपेंस इन द विलस, वन विलस उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है एक विलस के अंदर? साथ मैं बताऊं? मेरे साथ साथ बताइए ना आप। आप आयान, आपसे मैं पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी टर्न आएगी। ये साथ, साथ को आवाज आ रही है मेरी जी? आयान आप कंटिन्यू करें फिर। मैम Each villus is richly supplied with blood capillaries. ये blood capillaries होते हैं, and it is a vessel of lymphatic system called lacteal. यानी कि villus और lacteal वही होता है जो glycerol और fatty acids को अपने अंदर absorb करते हैं, और जो blood capillaries है वो protein को अपने अंदर absorb करती है. Proteins and carbs, carbohydrates को भी. ठीक हो गया? Very good. Saad and Taha, are you there? साद एंड ताहा लीव कर गए, पता नहीं इनका नेट इशू है बहुत ना। चलें, ओके जी, टाइम इज शॉर्ट, वन मिनट रह गया। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ, होमवर्क आज का आपका, जस्ट डायग्राम्स ड्रॉ करोगे आप लोग। एक डायग्राम है, एक तो डायग्राम आपकी आएगी 8.7, बुक से मार्क कर लीजिए, मैं इसको मैसेज भी कर देती हूँ ग्रुप में। 8.7 डायग्राम जिसमें बिल्ली दिखाया हुआ है और स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी वो दिखाई गई। आमना पता चल गया क्या आज का
जस्ट मैंने छोटी सी डायग्राम आपको दी है ड्रॉ करने के लिए फुल लेबलिंग के साथ. ओके ठीक है. और कोई ऐसा मैं लंबा काम नहीं दे रही, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है. मैं जिस तरह आज पूछ रही हूँ कल भी इसी तरह से कुछ अंदर अंदर से पूछ रही हूँ. मिस आपने पिछले होमवर्क में कोई डायग्राम दी थी? जी बेटा एक डायग्राम भी दी थी स्टमक की 8.6. जिसमें स्टमक बना हुआ है बुक में ना 8.6 उसका नंबर है. जी आया ना आपने रिजल्ट देखा था जो मैंने शो किया है उस पे आपके ग्रुप में आपके क्विज का रिजल्ट के नहीं? yes, देखा ma'am. देखा था देखे yes, अच्छा ma'am. ठीक है. What about, किसी बच्चे को हनीन का पता है? और आयशा आज क्यों नहीं आई? आयशा अभी तक आउट ऑफ सिटी है. क्या है ये कोरोना की वजह से किसी को कोई वो नहीं है डर खौफ? वो कभी कहीं गई होती हैं सैर करने शादी पे अब गेस्ट आए हैं उनके उन्हें डर नहीं लगता कोरोना से? पता नहीं मैं हम लोग तो डर के मारे कहीं आते जाते नहीं है. डर का मतलब एहतियात के चक्करों में कहीं आते नहीं है ना. चलो अल्लाह ताला उनको बचा के रखे लेकिन उनको कहें कि क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं ये रिपीट नहीं होनी क्लासेस तो फिर बाद में मसला होगा उन्हें. जितना भी है जितना भी है हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि साथ साथ समझें. आयान समझ आ रहा बेटा साथ साथ या टोटल? यस मैम समझ आ रहा है. हाँ मतलब मुझे है कि अगर हम इस ट्रैक को फॉलो कर लें कि इसी तरह कुछ महीने चलना है तो इंशाल्लाह वी विल बी यूज्ड टू ऑफ इट. इसको जरा पॉजिटिव ले और क्लासेस अटेंड करें. उसको मैसेज दीजिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर टॉट टुडे तो आप क्लास अटेंड करने की कोशिश करो. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट हनीन? हनीन का कुछ पता है? नहीं मिस उसको तो मैसेज किया था लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही. तबीयत ठीक है उनकी? पहले तो स्टार्ट में क्लासेस ले रही थी वो. बाकी भी नहीं ले रही कोई क्लास नहीं अटेंड कर रही वो. चलें ठीक है. ओके जी बेटा अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मिस.